So hello everybody, today we will be discussing about surgical drains. So to begin with, what is a drain? So a drain is defined as a channel created which allows any fluid collected to come out after the closure of the wound. इसका मतलब ये है कि जब हम बॉडी में कोई भी चैनल क्रिएट करते हैं, सपोज बॉडी में कोई अक्यूमुलेशन हो गया, मे बी एनी काइंड ऑफ फ्लूइड और पस, तो उस सेक्रीशन को ड्रेन करने के लिए वी नीड टू क्रिएट अ चैनल. तो वो जो चैनल हम क्रिएट करते हैं उसे ड्रेन कहते हैं. सो कमिंग टू द टाइप ऑफ ड्रेन्स, ड्रेन्स को हम चार कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन मीन कॉरोगेटेड रबर ड्रेन. अब ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ ड्रेन होता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल एंड ईजी टू यूज़ डिज़ाइन होता है इसका. इसमें जो भी सेक्रीशंस है बॉडी के, वो मेनली बाय द मीन्स ऑफ सिंपल कैपिलरी एक्शन हम ड्रेन कर सकते हैं. द सेकेंड टाइप इज़ द ट्यूब ड्रेन. ट्यूब ड्रेन जैसे कोई भी नॉर्मल ट्यूब दिखता है, कुछ वैसा ही दिखता है, एंड हम मैलाकॉट कैथेटर को भी एज ट्यूब ड्रेन यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें जो थर्ड कैटेगरी है वो है ग्लव ड्रेन की. ग्लव ड्रेन वी कैन यूज़ दिस व्हेन जब हमारे पास कोई और ड्रेन अवेलेबल ना हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, या ड्यूरिंग सर्जरी अगर हमें कोई सेक्रीशन ड्रेन करना है तब यूज़ कर सकते हैं. इसमें जैसा कि हम थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं, वो सर्जन का कोई भी ग्लव यूज़ करके हम उसका एक फिंगर टिप जो है कट कर सकते हैं, और उसका एक एंड हम बॉडी की उस कैविटी में रखेंगे जहाँ पे सेक्रीशंस अक्यूमुलेट हुए हैं, एंड दूसरा एंड किसी एम्प्टी वेसल में, जिससे कि हम ब्लड, पस या कोई और डिस्चार्ज भी ड्रेन कर सकते हैं. जो फोर्थ कैटेगरी है वो है विक्स ड्रेन. सो विक्स ड्रेन यूजुअली एक गॉज ड्रेन होता है, जो हमारा नॉर्मल गॉज होता है उसी से बना होता है, एंड ये कोई भी एब्सेस कैविटी को ड्रेन करने के लिए यूज़ होता है. सो नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेन. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ ओपन ड्रेन्स. ओपन ड्रेन में क्या होता है, एक सिंपल सा ड्रेन होता है जिसमें डायरेक्टली फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है एक बैग में या कोई भी रिजर्वायर में, एंड इसका एग्जांपल है कॉरोगेटेड रबर ड्रेन. अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऐसी ड्रेन्स में जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वो बहुत हाई होता है. हम इसे नॉर्मली भी समझ सकते हैं, अगर वहाँ पे कंटिन्यूस सेक्रीशन बाहर आता रहेगा एंड वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है एंड सिंपली वो फ्लूड कलेक्ट होते रह रहा है, तो ओवर अ टाइम वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ ही जाता है. सो इस क्लासिफिकेशन में हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है क्लोज सिफॉन ड्रेन्स की. सो बेसिकली क्लोज सिफॉन ड्रेन्स में क्या होता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो फ्लूइड या सेक्रीशन होता है वो एक स्टेराइल बैग में कलेक्ट हो जाता है. अब इसमें इतना डिफरेंस है कि हो सकता है उस स्टेराइल बैग में एक वॉल्व हो ना हो. अब वॉल्व का एसेंशियली ये फंक्शन होता है कि वो एक नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे कि जो सेक्रीशन या फ्लूइड है वो अंदर सक हो पाए. अब ऐसी ड्रेन का एडवांटेज ये है कि जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हमने देखा था कॉरोगेटेड रबर ड्रेन्स में, वो इसमें काफ़ी कम होता है, मतलब देर इज़ अ डिक्रीज चांस ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं. इसका एग्जांपल है जेपी ड्रेन. सो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जैक्सन प्रैट ड्रेन के बारे में. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ड्रेन, क्योंकि ये ब्रेन की सेक्रीशंस को ड्रेन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होता है. सो ये क्लोज सक्शन डिवाइस होता है जिसमें जो एंड ट्यूबिंग होती है वो परफोरेटेड होती है, ठीक है. इसमें जो ट्यूबिंग होती है वो परफोरेटेड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होती है, एंड सो एज इट इज़ अ क्लोज सक्शन डिवाइस, इसमें एक नेगेटिव एयर प्रेशर यूनिट होता है जो यूज़ होता है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए, एंड द प्रेशर क्रिएटेड इज़ अबाउट -100 to -500 mm ऑफ Hg. अब इसमें जो भी सेक्रीशंस इस वॉल्व में कलेक्ट होंगे, मतलब बल्ब में, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं बाय जस्ट कंप्रेसिंग द बल्ब, एंड इसका जो यूज़ होता है वो मेनली अबडोमिनल सर्जरीज, ब्रेस्ट सर्जरीज या ब्रेन सर्जरीज में ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ होता है. सो अब क्लोज सक्शन ड्रेन्स में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है रिडीवैक ड्रेन. अब जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, रिडीवैक ड्रेन होता है वो एक क्लोज सक्शन डिवाइस का एग्जांपल है, जस्ट लाइक ब्रेन ड्रेन. इसमें ये होता है कि ट्यूबिंग होती है जिसमें बहुत सारे परफोरेशंस या होल्स होते हैं एंड में. जो ट्यूब होता है वो कनेक्टेड होता है एक इवैक्यूएटेड ग्लास बॉटल से, जहाँ सारे जो सेक्रीशंस हैं वो सक हो जाएंगे, एंड इसमें एक बल्ब भी होता है अपार्ट फ्रॉम इट अ स्टॉपर होता है. अब जो फ्लूइड इसमें कलेक्ट हो रहा है वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्रिएट हो रहा है, सेम एज दैट ऑफ ब्रेन ड्रेन. सो इसमें एडवांटेज ये होता है कि देर इज़ डिक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन,
ओके एंड इसके जो यूजेस है वो मेनली ये है कि जब ब्लड बीनीथ द स्किन कलेक्ट हो जाता है तब हम इसे यूज़ करते हैं। एंड इसके मेन जो एग्जांपल्स है वो रहेंगे आफ्टर मैस्टरेक्टोमी और थायरॉइडेक्टोमी। हम इस ड्रेन को यूजुअली प्लेस करते हैं सो एज टू ड्रेन द कलेक्टेड ब्लड। सो इससे पहले जो हमने दो एग्जांपल्स देखे थे क्लोज सक्शन ड्रेन्स के, ब्रेन ड्रेन एज वेल एज द रिडीवैक ड्रेन, उसका ये जो फिगर है वो डिपिक्ट कर रहा है जनरल, मतलब कैसा दिखता है क्लोज सेक्शन ड्रेन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ट्यूबिंग अटैच्ड है, एक एम्प्टीइंग कैप है जिससे कि जो भी सेक्रेशन कलेक्टेड है हम उसे एम्प्टी कर सकते हैं, एंड एक कलेक्शन रिजर्वायर है। अब ये जो कलेक्शन रिजर्वायर है यही यूज़ होता है नेगेटिव एयर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, विच इज़ अबाउट -100 टू -500 mm of Hg। एंड जैसे कि फिगर में नीचे दिखा रहा है, हम उसे जो कलेक्शन रिजर्वायर है उसे प्रेस करके सारी सेक्रीशंस बाहर निकाल सकते हैं जो भी कलेक्ट हुई होगी उस कलेक्टिंग रिजर्वायर में। अब इस क्लासिफिकेशन में जो थर्ड कैटेगरी है वो है क्लोज सम ड्रेन्स की। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो क्लोज ड्रेन्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो जिसमें नेगेटिव एयर प्रेशर यूनिट हो एंड एक जिसमें एयर प्रेशर यूनिट के साथ साथ एक पैरेलल एयर वेंट भी हो। अब इस एयर वेंट का ये फंक्शन होता है कि जो एयर होती है वो उस एयर वेंट के थ्रू आती रहती है। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यूज सक्ड अप हो सकते हैं वो नहीं होते। अब इसी क्लासिफिकेशन में जो हमारी लास्ट कैटेगरी है वो है अंडरवाटर सील ड्रेन की। अब ये जो ड्रेन है वो मेनली प्लूरल फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, प्लूरल स्पेस में एयर कलेक्ट हो गई है, दैट इज़ निमोथोरैक्स, एंड वहाँ पे ड्रेन अटैच कर दी गई है जो कि नीचे एक ट्यूबिंग के थ्रू कनेक्टेड एक ग्लास चेम्बर रिजर्वायर से। तो जो भी फ्लूइड या एयर कलेक्ट हुई है अब ये वहाँ से निकल करके इस ग्लास चेम्बर में अक्यूमुलेट हो जाएगी, एंड ये इसमें एक पैरेलल एयर वेंट भी है सो दैट आसपास में जो सॉफ्ट टिश्यू हो वो भी सक्ड अप ना हो जाए। सो इसका जो मेन इंडिकेशन है वो प्लूरल स्पेस को ड्रेन करने के लिए ही होता है। कमिंग टू इंडिकेशंस, मतलब हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। सो इट्स फर्स्ट इंडिकेशन इज ड्रेनेज ऑफ एन एब्सेस। जैसे कि हमने पहले देखा था, एब्सेस ड्रेन करने के लिए मोस्ट कॉमनली जो ड्रेन यूज होती है वो है विक्स ड्रेन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गॉज ड्रेन। सेकेंड इंडिकेशन है इन ब्लीडिंग सर्जिकल कंडीशंस, जैसे कि ड्यूरिंग सर्जरी या प्री ऑपरेटिवली जब कभी भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है ड्यू टू ट्रॉमा और एनी अदर कंडीशन, तब हम ड्रेन को प्लेस करके जो भी ब्लड कलेक्टेड है उसे ईजिली ड्रेन कर सकते हैं। थर्ड इज़ इन केसेस ऑफ निमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स, इसके लिए हमने जो लास्ट ड्रेन देखी थी वो यूज़ होती है। अब फोर्थ इंडिकेशन है इन अक्यूट अब्डोमिनल सर्जरीज़, जैसे हीमोपेरिटोनियम हो गया या इवन इन केसेस ऑफ पेरिटोनाइटिस, जब अब्डोमेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब जो भी पस या कोई और सेक्रीशन कलेक्ट होता है उसे ड्रेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ड्रेन्स। फिफ्थ इंडिकेशन है कोई भी मेजर अब्डोमिनल सर्जरी। इसका जो सिक्स्थ इंडिकेशन है वो है थायराइड सर्जरी, एंड द लास्ट इंडिकेशन इज़ ड्यूरिंग हाइड्रोसील सर्जरी। बेसिकली कोई भी सर्जरी में हम ड्रेन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन हो, जैसे वाटर अक्यूमुलेट हुआ है या सेक्रीशन है या पस है, तो हम स्पेसिफिक ड्रेन उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो कमिंग टू द एडवांटेजेस, अब इसके एडवांटेजेस ये है, जो फर्स्ट एडवांटेज है वो इसका मेजर एडवांटेज है वो ये है कि जो भी फ्लूइड हमने कलेक्ट किया है हम उसको क्वांटिटेटिवली असेस कर सकते हैं, मीनिंग दैट पस बाइल या और कोई भी सेक्रीशन हो जो इस इवैक्यूएटेड ग्लास बॉटल में कलेक्ट होती है हम उसे मेजर कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड प्रोग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि हम इसे काफ़ी टाइम तक लगा के छोड़ सकते हैं। इन अर्लियर डेज देयर वॉज अ डिक्टम कि अगर सर्जन ड्रेन प्लेस कर देता है एक कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट में तो वो इजीली लाइक ही कैन हैव अ साउंड स्लीप, मीनिंग दैट ड्रेन अपना काम करता रहेगा। द थर्ड एडवांटेज इज स्किन एक्सोर्सिएशन डज नॉट ऑकर, मीनिंग दैट कोई एलर्जिक रिएक्शन या स्किन को मेजर ट्रॉमा नहीं पहुंचता इससे। अब इसका जो फोर्थ इंडिकेशन है वो ये एडवांटेज है वो ये है कि पेशेंट का कम्फर्ट एंड कंप्लायंस दोनों इसके साथ अच्छा है। इसका जो फिफ्थ एडवांटेज है वो ये है कि इन्फेक्शन रेट बहुत कम होता है, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू इन केसेस ऑफ क्लोज ड्रेन्स। जो सिक्स्थ एडवांटेज है वो ये है कि हम इसे इजीली प्लेस भी कर सकते हैं एंड इवन इसका रिमूवल भी काफ़ी इजी होता है।
लास्टली हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन रेंज और डिसएडवांटेजेस. सो फर्स्ट इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है इन्फेक्शन. जैसे कि हमने पहले बात की थी, जो ओपन ड्रेन्स होती है, मीनिंग रबर कॉरोगेटेड ड्रेन्स, उसमें इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. सेकेंड डिसएडवांटेज है डिस्प्लेसमेंट. नो मैटर सर्जन कितना भी उसको प्रॉपरली प्लेस करे, अगर पेशेंट की मूवमेंट्स होती है या अननोइंगली वो मूव करता है, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी टिश्यू रिएक्शन या ट्रॉमा पहुँच सकता है पेशेंट को. थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि जो भी सेक्रीशन है अगर इम्प्रॉपरली प्लेस्ड है या कोई और बात है, तो हो सकता है वो एडिक्वेटली ड्रेन ना हो पाए. एंड अगर ऐसा होता है तो हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फॉल्स रिजल्ट्स भी मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं. नाउ द फोर्थ डिसएडवांटेज इज़ दैट जो हीलिंग प्रोसेस हो रही है, सपोज हमने किसी मेन वूंड से ड्रेन को कनेक्ट किया है, तो वो जो वूंड है उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें ड्रेन का प्लेसमेंट काफ़ी हद तक उसकी हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रेन्स. थैंक यू.